दोस्तों आज मैं तुहाडे नाल जिहड़ा पंजाब विधानसभा दा पिछले 5 दिन दा साडा सैशन चल रहा उहदी जो असल हकीकत हैगी आ उहदे बारे तुहाडे नाल अपने विचार सांझे करने ने। थोड़े जिहे अपने दोस्त मित्र होर जुड़ जाणगे जद नूं। सब तो पहला तो मैं ये कहना चाहना कि आम आदमी पार्टी जदों ओपोजिशन विच सीगी उहनां दा सब तो ज्यादा शोर हुंदा सीगा कि सैशन बहुत छोटे ने, इन्हां सैशनज की म्याद ज्यादा होनी चाहिए आ तां कि असीं पंजाब दे लोकां दी गल कर रखीए। और नाल उन्होंने यह भी मांग की थी कि सैशन जिहड़े ने इहदी कवरेज जिहड़ी हैगी लाइव होनी चाहिए पार्लीमेंट की तर्ज ते, राज्यसभा पार्लीमेंट की तर्ज ते। इस जिहड़ियां रिप्रेजेंटेशनां सारियां गईयां आम आदमी पार्टी वल्लों उहदा मैं RTI च स्पीकर साहब तो जिहड़ा बकायदा स्पीकर ऑफिस तो इहदा पूरा वेरवा कढाया। काफ़ी रिप्रेजेंटेशनज ने, अगर तुसीं देखोगे काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल हैगी है, बट उहदे चों जिहड़ी सैशन दे नाल तुलक रखण वाली RTI है इनफॉर्मेशन वह हैगी कि इन्होंने 4 MLAs ने स्पीकर पिछली बारी कांग्रेस के स्पीकर 4 MLAs ने लिख के एक रिप्रेजेंटेशन दी। 4 जे 4 MLAs आम आदमी सके, हरपाल सिंह चीमा जे लीडर ऑफ ओपोजिशन से, कुलतार सिंह संधवा जे हूँ स्पीकर ने, अमन अरोड़ा जोड़ा काफ़ी दुबारा दुबारा उठ के शोर मचा, जय किशन रोड़ी जोड़ा MLA है इन्हों का हूँ गढ़शंकर तो, ये तुसी देख सकते इन्हां दे सिग्नेचर्स ने आ चारां दे, अगर तुहानू शायद मेरा ख्याल क्लियरली आउंदे ने। और नाल नाल ये रिप्रेजेंटेशन का सबजैक्ट भी तुहानू दिखाउणा ऑनरेबल स्पीकर दे नाम ते है, तो मैं पढ़ दिना बाद विच। सो रिप्रेजेंटेशन की है, ये डेटड हैगी 15/3/2018 की, रिक्वेस्टिंग फॉर इनक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रपोज सिटिंग्स फॉर दिस बजट सैशन, यही जिहड़ा बजट सैशन साडा हुण चल रहा, टू एटलीस्ट 20 so that discussions on critical issues of Punjab could be facilitated। मतलब और इहदे नाल बहुत होर यही रिप्रेजेंटेशन बार बार ने, मतलब मैं तुहानू एक जिहड़ी मेन पढ़ के सुनाई आ, इहदे च इह मंग रहे ने कि 20 सिटिंग्स पंजाब विधानसभा दी होनी चाहीदी तां कि लोकां दे मुद्दे पंजाब दे इशूज इस विधानसभा दे विच डिस्कस किए जा सकन। ते जिहड़ा हुण इहनां ने बजट इजलास रख्या अपना जिहड़ा इस वारी दा, सिर्फ 6 दिन दा सत्कारयोग वीरो, 5 दिन निकल गए ने, एक कल का दिन बचिया वा 6 या 7 दिन का, और ये सिटिंग्स जिहड़ियां ने कोई सारा दिन सत दिन डबल सिटिंग्स नहीं गिया, जिहड़ियां कहिंदे ना 20 सिटिंग्स चाहीदियां, अगर पूरे 10 दिन लगातार रोज सवेरे और शाम की सिटिंग करन प्री लंच एंड पोस्ट लंच, फिर पूरे 10 दिन का सैशन होना चाहिए इन्हों के मुताबिक ही। लेकिन इन्होंने रखा तकरीबन 1 हफ्ते का, उहदे च ऑफकोर्स ओबिचरीज यानी कि श्रद्धांजलियां निकल जांदियां ने। कल का नॉन ऑफिशियल डे है, कोई बहुता बिजनेस नहीं गा, सिर्फ मते पास होने हैं, उहदे ते बहस होनी, उहदे च कोई बहुत ज्यादा लाहेवंद सिट्टा नहीं निकलना। सो जदों ओपोजिशन विच सीगे उदों आपां 20 सिटिंग्स मंगदे सीगे, जदों अपनी सरकार बन गई आपां सिर्फ 6-7 दिन का सैशन दिता, और उहदे च सिर्फ 1-2 दिन डबल सिटिंग्स होईयां, जां बाकी सारे दिन सिंगल सिटिंग करके सवेरे 10 बजे आए 2:30 बजे सैशन जिहड़ा खत्म हो जांदा। चलो एक तां पक्ष इह तुहाडे ध्यान विच लिया के आउणा सी, दूसरा पक्ष हैगा कि लाइव कवरेज कहिंदे असीं कर रहे हैं। दोस्तों लाइव कवरेज जिहड़ी ते 15 मिनट की एडिटिंग ते है, इहदे तुसीं देखोगे ऑरगैनिक, तुहानू कोई शोर नहीं नजर आ रहा, जदों एकदम कोई हल्ला गुला मचदा वा पता लगदा, जिद्दां राज्यसभा ते पार्लीमेंट दे विच तकरीबन जदों शोर वगैरह मचाउंदे ने ओपोजिशन दे, जदों कोई वॉकआउट की गल करदे ने उहदा नजर आ जांदा वा। और दूसरा इन्हां ने जिहड़े कैमराज फोकस कीते ने, जिहड़ी रूलिंग पार्टी ट्रेजरी बेंचेस कहिंदे ने, जदों चीफ मिनिस्टर बोलदे ने उहदा पूरा जूम्ड इन कैमरा हुंदा उहदे चेहरे दे लागे जाके, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीकर साहब ने अपने कोल ही कैमरा रखा होया वा, उन्होंने उत्ते पूरा फोकस्ड कैमरा वा, या इन्हां दे होर मिनिस्टर्स बोलते हैं या MLAs बोलते हैं उहदे ते काफ़ी ज़्यादा नेड़ियों दिखा के उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पोस्चर्स ते उन्होंने लाइव दिखा रहे हैं, जबकि जो ओपोजिशन बेंचेस तो कोई बोलता, राजा वड़िंग बोलता या प्रताप सिंह बाजवा बोलते हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन, साडा कोई भी होर MLA बोलता, ईवन फॉर दैट मैटर श्रोमणी अकाली दल BJP या BSP के कोई MLAs बोलते हैं, बहुत दूरों कैमरा नजर आ रहा, वो सिर्फ तुसी उन्हां दी आवाज नाल पहचान सकते हो कि यह फलाना MLA जिहड़ा बोल रहा वा, उहदी तस्वीर चंगी तरह नहीं दिखाई दे रही। सो किते ना किते लाइव जिहड़ा है ये पार्टिजन है, पक्षपाती लाइव आ रहा वा, और उहदे च एडिट कर देंदे जिहड़े इन्हां दे थोड़े जे ऑकवर्ड पोजिशन आउंदियां, जिथे कोई ओपोजिशन मेजर अच्छी गल कहिंदी आ उहनूं उह एडिट भी कर देंदे। तो दोस्तों इस तों अलावा मैं कहना चाहुंदा कि खास तौर ते मेरे फोकस टारगेट किया गया,
क्योंकि जब भी मैं पंजाब की गल करता वह इन्हों चुभती है, इन्हों आदत पई हुई है दिल्ली की गल दिल्ली की गल दिल्ली की गल कर, तो मैं गल करनी होंगी अपनी स्टेट की, वह इन्हों बहुत चुभती है। और मैनू स्पीकर साहब बहुत थोड़ा समा देंगे, जो कुछ तुम देख रहे हो बड़ी मुश्किल मैनेज करके, या मेरी पार्टी जिहड़ी गवर्नर भाषण से राज्यपाल के भाषण से या बजट एड्रेस से जिन्ना टाइम पार्टी को दिंदी है वो मैं जिन्ना टाइम मिलता, कई बार 10 मिनट या वध तो वध 13 14 मिनट का टाइम मैं मिले पिछले दो सिटिंग्स के जी भी मैं गल कह सकता। जो जीरा ऑफ च उठते हैं तो भगवंत सिंह मान या अमन अरोड़ा वगैरह टिचर करते हैं जी, तुम दुबारा दुबारा उठते हैं सारा, तुम एक कैमरा तुम ना दे दिए। देखो गल यह कि मैं कोई असी इन्हों की कोई मिन्त क्ढन टाइम नहीं मंगते, असी अपने दम से वाहगुरु की कृपा के लोगों के सहयोग के नाल असी चुन के बराबर आए, जिदा के MLA चुन के आए हैं उदा के असी चुन के इतने आए हैं। और जरा अमन अरोड़ा खास तौर पर उधर टिचर करता एवं थर्ड डिग्री टिचर कि जी तुम उधर के उधर ही रह गए, मैं कहीं कहा वा कि मैं सरकार वाले बेंचा बहना चाहना वा, मैं जिथे हैगा परमात्मा की कृपा के मैं पूरा संतुष्ट खुश हाँ, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी तनदेही और निडरता दे कर रहा वा। मैं अमन अरोड़े उदन पूछा कि तू कभी युवापा का केस उठाया वा, कभी पुलिस जबर के खिलाफ तुम कभी बोले हो, जिहड़े सिख नौजवानों की नसलकुशी होंदी आ झूठे पुलिस मुकाबलियां मारे गए कभी उन्होंने खिलाफ बोले हो, तुम तो सुमेध सिंह सैनी के तारीफ करने वाले बंदियों चो, तुम तो उन्होंने लोगों के हतेशी हो, 24 घंटे अतवाद अतवाद का नाम जपते हो, तुम तो उन्होंने लोगों के जिहड़े पुलिस वाले ने साडे नौजवानों के चड्डे पाड़े उन्होंने झूठे पुलिस मुकाबलों के मारिया, ये टिचना करते हैं सानू। और मैं पिछले दिनों के मूसेवाले का जिहड़ा गीत बैन किया गया, मैं उसका मसला उठाया सतलुज यमुना लिंक से जिहड़ा SYL से उसनू जरा यूट्यूब से बैन किया, मैं उसका लैके आया जीरो आवर के उठा के, और गवर्नमेंट ना हूँ देखने कल यह रेजोल्यूशन क्योंकि ट्विटर हैंडल एक बैन किए ने 100 के करीब इंडिया च, ट्रैक्टर टू ट्विटर का भी किसान एकता मोर्चे का ट्विटर से प्लस यूट्यूब से बैन होना, तिना गलों का जो सा फंडामेंटल राइट न कुचलिया जा रहा BJP वालों। ये मैं गवर्नमेंट ना कि कल जे दो मते लैके आ रहे हैं वो तुम एड करो कि जे दूजे दो मते ने एक अग्नि पंजाब बेसिकली एग्रेरियन स्टेट है, साडे कोल कोई बंदरगाह नहीं है, असी लैंडलॉक स्टेट हाँ, अखीरली स्टेट है भारत की, एक पासे साडे बॉर्डर है पाकिस्तान का जिहड़ा तुसी लगातार बंद किया होया, या तो बॉर्डर खुला हुंदा ते असी साडा सूबा जिहड़ा वा इत्थे इंडस्ट्रियलाइज भी कर सकदा सीगा, पर बॉर्डर बंद होने दे करके असी अपने सूबे विच बहुत ही इंडस्ट्री ला नहीं सकते। ये हुण बंद किहड़े कारणां करके तुसी जानदे हो कि ये सरकारां दी लड़ाई है, लोगों की लड़ाई कोई नहीं, लोग जदों पाकिस्तान दे इधर आउंदे ने या साडे उधर जांदे ने एक दूजे नाल बहुत प्यार सत्कार ते मुहब्बत दे नाल मिलदे ने। सो साडे कोल कोई ऑपरचुनिटी नहीं गई इंडस्ट्री की, साडे कोल सिर्फ रहेगी खेती, तो खेती दे विच जिहड़ा बजट का डॉक्यूमेंट है, बेटे एक मिनट दिखाओ, मैं तो बजट डॉक्यूमेंट विच सत्कारयोग पंजाब दे लोको इस डॉक्यूमेंट विच बजट च जिहड़ी जिहड़ी एलोकेशन है एग्रीकल्चर की सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ा साडा सब्जेक्ट है, साडा इस बार बजट जिहड़ा सीगा 1,55,000 करोड़ का वा, उस चो जिहड़ी एलोकेशन हैगी बजट वास्ते वह महज 11,560 करोड़ रुपये, 11,560 करोड़ सुनने बहुत लगते हैं पर 60% यानी कि 7,000 करोड़ रुपया सिर्फ असी पंजाब दी बिजली बोर्ड जिहड़ा PSPCL है उन्हों असी जिहड़ी मुफ्त बिजली जा रही है ट्यूबवैल्स नू उहदी सबसिडी दी अदायगी है, बच गया पिछे साडे कोल 4,500 करोड़ रुपया पंजाब दे खेती दे सुधार दे वास्ते, 1,00,000 करोड़ दे करजई किसान लगातार निरंतर आत्महत्यावां उन्हां वास्ते की रोजी रोटी का प्रबंध करना वा, जो लोग मारे जा चुके ने 2-2.5 लाख के करीब छोटा किसान खेती छड़ के या तो जमीना वेच के विदेशों भज गया या इत्थे लेबर कर रहा वा, वह कामे बन गए ने, उन्हां वास्ते साडे कोल की करना वा, जिहड़े खास तौर पर आत्महत्या पीड़ित परिवार ने कि उन्हां दे रोजगार के साधन असीं पैदा करके दे सकते उन्हां नूं, क्योंकि इसे ही पंजाब के लोगों ने सारे देश दे अनाज का ढिड भरिया दोस्तों। ये सारे मसले और एक जड़ा इन्होंने कहा कि बड़ा शोर मचाया कि मूंग की असी फसल जी MSP दे रहे, बहुत चंगी गल की है, सानू डाइवर्सीफिकेशन करनी चाहिए, लेकिन इस बजट में मैं अपने ट्विटर हैंडल से भी पाया होया इस बजट में मूंग की दाल की MSP दे वास्ते केवल 66 करोड़ रुपया रखा गया, और जिहड़े खेती के माहर ने और BKU के जिहड़े लीडर्स ने उन्होंने मैनू मैसेज भेजे ने कि अगर 7,275 रुपये क्विंटल का रेट है तो 66 करोड़ रुपये खर्च करना हो तो सिर्फ 18,000 एकड़ मूंग बीजी जा सकती है, सिर्फ 18,000 एकड़ या कोई 7,300 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ है, तुहानू पता सारी गल, इन्नी 18,000 एकड़ तो 2 मालवे के वड्डे पिंडां दी जमीन है,
सो दिस अगेन बिकेम अ जोक, एक मजाक बन के रह गया कि ठीक है तुसी एफर्ट भी कर रहे, मैं तुहाडी गल इस नूं भी समझदा हां। और दूसरा एक मैं मसला उठाया जिहड़ा बड़ा इंपोर्टेंट सीगा कि तुसी लगभग 780 करोड़ रुपया राजस्थान फीडर कनाल की रिपेयर वास्ते रखा, लाइनिंग लई, कॉन्क्रीट लाइनिंग कनाल दी, पानी कित्थे जाना, सारा राजस्थान नूं, सत्कारयोग वीरो, ऑफकोर्स थोड़ा पैसा सरहंद फीडर वास्ते उह साडे कोल आउंदा होगा पानी, लेकिन ज्यादा जिहड़ा पानी आ असीं इंश्योर कर रहे हैं कि एक बूंद भी पानी पंजाब दी पानी दी पंजाब दी धरती च कितें सीपेज ना हो जाए। असीं उहनूं कॉन्क्रीट लाइनिंग करके राजस्थान दी नहर नूं पूरा बनिया बनाया भाखड़े का पानी जिहड़ा राजस्थान नूं देण जा रहे हैं। असीं रॉयल्टी तां की मंगणी इहनां तों, असीं 780 करोड़ रुपए का बजट इसे ही इस बजट में एलोकेशन रखी है 780 करोड़ रुपए की वास्ते, और एड्डी वड्डी गलती करन जा रहे, सारिया कनाल्स नूं नहरां नूं पक्कियां करन जा रहे ने, जबकि एक कुदरत दा निजम है कि जदों तुसीं कच्ची नहर रहण दिंदे आ पानी जमीन धरती विच थले जांदा वा, ग्राउंड वाटर रीचार्ज हुंदा, जिहड़ा साडा वाटर टेबल है जिहड़ा उह पानी दा जिहड़ी सतह है जमीन दे थले उह उपर आउंदी आ। सारा पंजाब दा पानी जिहड़ा इस वक्त 12-13 लख ट्यूबवैल दे नाल असीं पंप आउट करके उह पानी जिहड़ा साडा है उह बिल्कुल उहदी मुकदा जांदा धरती दे थलड़ा पानी, ते असीं नहरां दी भी कॉन्क्रीट लाइनिंग करके नाले पैसे खर्च रहे, नाले राजस्थान नूं पानी पहुंचा रहे, नाले एक तुपका भी साडा पंजाब दी धरती दे विच ना कितें सीपेज हो जाए, ये इस बजट दे विच है। अंत विच दोस्तों मैं तां सिर्फ ये कहना चाहुंदा कि एक इहनां दे कोल रट आ, एक रट आ कि जी 70 साल दे विच की होया, 70 साल च की कीता, पैसे खा गए 70 साल, 70 असल च एडीएम जिहड़ा सी इह बीजेपी ने बनाया सीगा, क्योंकि बीजेपी की बी टीम है, और मैं तो लगता कि राष्ट्रपति की चोण में भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोटा पाएंगे, हले बोले नहीं गए, हले तक नहीं बोले, हो सकता साडे यशवंत सिन्हा नूं ओपोजिशन कैंडीडेट नूं पा देण, ये बी टीम है बीजेपी की, इन्हों का बुलडोजर पॉलिटिक्स के उत्ते अरविंद केजरीवाल का कभी कोई बयान नहीं आया, अज भी वह जिहड़े अरैसट किया गया एक जर्नलिस्ट नूं उहदे ते कोई टिप्पणी नहीं की इसने, और कभी भी जिथे माइनोरिटीज के हकूक कुचले गए ने, जम्मू कश्मीर के 3 टोटे किए गए, कहिंदे सी दिल्ली सानू एक पूरा स्टेट चाहिए, जेडे स्टेट 3 टोटे किए इन्हें मोदी बधाई भी दी, मोदी वोट भी पाई दोस्तों, CAA के उत्ते वोटा पाई इन्होंने बीजेपी को। और मैं कहना चाहना कि रोज कहें 70 साल जो बीजेपी का एडियम से, मैं तुम्हें पूछना चाहना सत्कारयोग सारे पंजाब से रहने, ठीक है साढ़े बहुत सारिया उन्नताइया, क्योंकि गरीब देश है साढ़े ते कर्जा वा, असी साढ़े को साधन नहीं जे वैसटर्न वर्ल्ड पर 70 सालों कुछ भी नहीं होया। मैनू अच्छी तरह याद है सरदार प्रताप सिंह कैरों के बारे पढ़ लो, तुम सब तो जिहड़ियां 2-3 गल्लां गिणा दिंदा इन्हां दे मूंह ते चपेड़ वज जूगी, भाखड़ा डैम किहने बनाया जी दस्सो जरा, केजरीवाल ने बनाया वा, कल परसों बनाया वा, भाखड़ा डैम बनाया प्रताप सिंह कैरों ने ते पंजाब दी सरकार ने, इत्थे ही बस नहीं, फरीदाबाद शहर जिहड़ा बनाया, चंडीगढ़ शहर जिहड़ा बनाया, फरीदाबाद दिल्ली दे लागे जिहड़ा केजरीवाल साहब दे नाल लगदा नैशनल कैपिटल रीजन च NCR च फरीदाबाद सरदार प्रताप सिंह कैरों ने उसका डिजाइन उस शहर नू पैदा किया, चंडीगढ़ नू पैदा किया, ले कार्ब्यूजियर फ्रेंच आर्किटेक्ट नू बुला के फ्रांस तो डिजाइन किया, सिटी ब्यूटीफुल, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज, केजरीवाल साहब तुसी बनाया या मान साहब तुहाडे जिहड़े चेले चापटे आ बोलते ने ये तुसी बनाया वा, PGI किसने बनाया दस्यो जरा, PGI 5 स्टेटा नू केटर करता, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ईवन UP चो लोग आते हैं अपना इलाज कराने वास्ते, वो केजरीवाल साहब ने तो नहीं बनाया, सारा नहरी नैटवर्क वो किने बनाया वा, पंजाब दे विच पानी जांदा वा, यूनिवर्सिटियां कि इन्होंने खड़िया कीतियां, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साढ़े गुरु नानक देव जी दे याद विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, चंडीगढ़ की जिहड़ी सब तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी नैशनल लैवल की क्लास की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिहड़ा हुण शोर मचिया जिहनूं तुसीं डिफेंड नहीं कर पा रहे, जिन्हें हाईवेज निकले ने किसी ने कुछ किया ही नहीं गा मतलब, और एडे वड्डे पद्धर ते उत्ते ग्रीन रेवोल्यूशन हरी क्रांति जिहदे नाल साडी जिहड़ी सीगी आमदन सडनली 3-4 गुणा वधी, हरी क्रांति केजरीवाल साहब लैके आए सीगे, वाइट रेवोल्यूशन दुध दे उत्पाद दे विच कई गुणा इजाफा कि केजरीवाल साहब लैके आए सीगे, इन्ना भी मत झूठ बोलो यार कि तुसी ए समझ रहे हो कि 70 साल बना के तुसी 3 महीनों विच जो कुछ किया तुहानू लोकां ने जवाब दे दिता संगरूर दी सीट दे उत्ते पूरा ठोक वजा के, एक निडर ते एक निरपक्ष ते एक पुराना पंजाब हितैषी सिमरनजीत सिंह मान नू लोकां ने जताया वा, और मैं उदन भी कहा ते अज फिर कहना वा
ककार है, साडा चिन्ह है पंजाब दे लोकां दा, ये साडे वास्ते अणख दा चिन्ह है। तो बोकर नू बोकर नू लोकां ने लताड़ दिता, रिजैक्ट किया, जिहड़ा खोती झाड़ूआ लोगों ने कृपान नू चुनिया। मेरे वीरो हो सकता कांग्रेस दा इहदे विच नुकसान होया, कोई गल नहीं, चलता रहिंदा जिंदगी दे विच, लेकिन बोकर नू बोकर नू लोकां ने नकार के परे कर दिता 3 महीनों च। और कल वाइट पेपर जारी किया, बजट ते गल्लां करदे ने, 9,000 करोड़ का कर्जा चाढ़िया इन्होंने 3 महीनों च। मेरे वीरों सत्कारयोग भैनों ते भराओ, 9,000 करोड़ रुपए 3 महीनों च अगर इस स्पीड दे नाल कर्जा चक्कणगे तो यह 5 सालों च 2.25 लाख करोड़ का कर्जे का इजाफा करके जाएंगे, 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, मतलब साढ़े ते 2.75 लाख करोड़ का कर्जा चढ़िया 35 सालों च। अगर आप 80 तो गिणीए तो फिर 42 साल, क्योंकि 1980 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा से 1980 च, 40 सालों च साढ़े ते 2.75 लाख करोड़ का कर्जा चढ़िया, 3 महीनों च आप 9,000 करोड़ चक लिया वा, तो इसे स्पीड में चले तो आप 2.25 लाख करोड़ रुपया 5 सालों च एड करके जावे। पर कहते असी बदलाव की राजनीति कर रहे हैं दोस्तों, असलियत यह हैगी है। और इन्होंने, मैं तो हैरान हो गया, पेपरलैस बजट पेश किया, सारिया गल्लां तुहाडे नाल तां करां क्योंकि तुहानू बाहर नहीं गल्लां आ रही, ना सानू अंदर बोलण दा मौका दिंदे ने, बिठा दिंदे ने धक्के नाल, 92 आदमी ने शोर पाउंदे ने, शोर बचाउंदे ने, बोलना तां किसे नूं घट आउंदा, होए होए करनी ज्यादा आउंदी, शोर बचा के रौला रप्पा पा के अपने विरोधियों नूं बिठाउण दा उपराला करदे ने। कहिंदे जी पेपरलैस बजट पास किया असीं, 21 लाख रुपया सेव किया, 21 लाख रुपया बचाया पेपरलैस बजट का, तो परले पासे अगले दिन पूरे सफे दे वड्डे इश्तहार दे के 42,70,000 रुपया खर्चा पबलिसिटी के उत्ते। मूर्खा का काम नहीं, तो होर की है जी, 21 लाख बचाया पेपरलैस बजट से, 42 लाख रुपया उसकी पबलिसिटी का। और मेरे को RTI इन्फॉर्मेशन मैं छेती तुहाडे नाल एक दिन शेयर करूंगा, लगभग 50 करोड़ रुपया पिछले 3 महीनों पबलिसिटी से खर्चा किया बाहरले सूबों च, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल च, जिथे इन्होंने जाके इलेक्शन लड़निया ने, पैसा साडा, हैलीकॉप्टर साडा, मशहूरी केजरीवाल की। इतने बस नहीं, इन्होंने डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में सारे आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया की टीम जी गैर पंजाबी ने इदा ही चक के लिया के लख रुपये 75,000 तनखा से डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के दफ्तर में भर्ती कर दते ने। पैसा साडा, 100 बंदा, मैं जे झाड़ू बरदार थले पिंड पुछ दिन, तुम किसी बुलाया इन्होंने, तुम सारा सोशल मीडिया ओपरेट करना जानते, तुम कि गल नहीं पता, किसी वर्कर नूं लिया के बुला के पुछ के दस्या कि तुहानूं असीं 100 बंदे की भर्ती करन लगे हां, तुहानूं रख लैने असीं, जिहड़े साडे लई तुसीं मरदे फिरदे हो, गाला खांदे हो, गाला कढ़दे हो, असीं तुहानूं रखदे हां, लेकिन लिया के गैर पंजाबी उत्थे साडे सिर ते डायरेक्ट, और RTI नहीं दे रहे सानूं, असीं RTI मंग रहे उहदी लिस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि सारे गैर पंजाबी उत्थे लिया के बिठा दित्ते। किन्नियां होर गल्लां ने सत्कारयोग वीरो, भैणो, बजुर्गो, राज्य सभा दे मैंबर बनाए, किथे राघव चड्ढा, इन्हां दा विजेंद्र गुप्ता, सॉरी सुशील गुप्ता, मैं फिर गलत कह चलिया, सुशील गुप्ता राज्यसभा का मैंबर जिहड़ा मूसेवाला ने गीत गाया, ओपनिंग लाइना विच उहदा जिक्र आ कि उह कहिंदा कि मैं 2025 साडी सरकार बण गई सी, सतलुज यमुना लिंक का SYL का पानी हरियाणे के कोने कोने दे विच पहुंचावांगे। एक शब्द नहीं बोलिया केजरीवाल, एक शब्द नहीं बोलिया भगवंत मान, सत्कारयोग वीरों ते भैणों, राज्यसभा दे सारियां सीटां बेचियां ने टिका के गैर पंजाबियों नूं दित्तियां ने, और ये बंदे कभी पंजाब दे हित विच नहीं बोलणगे, सिर्फ पैसे कमाउण आए ने। 497 करोड़ रुपया फ्री आटे का देता जी बजट च, मंगया ही नहीं किसी ने, लोग नौकरियां मांग रहे हैं, लोग गन्ने की अदायगी मांग रहे हैं, किसान उन्हें दिता 497 करोड़ रुपया, आखिर आटा देंगे तुम पिंड मुफ्त पहुंचा, क्यों वो ठगी वजनी है, कणक रखते लोकी जिनी लोड़ सी पसाते, जिन्ना आटा सी लोड़ पैंदी सी पसा के खांदे सी, इन्होंने कहा असी कणक कैंसल घर आटा पहुंचता करा, सारी सुसरी सारा स्कैंडलस प्रोग्राम बना के अनहाइजीनिक तरीके लोगों को यह आटा जिहड़ा उत्थे लोकां च पहुंचाउणगे। बहुत सारियां होर गल्लां ने, इह तां तुहाडा साझियां कीतियां अज, उत्थे तां सही मैंने सानू बोलण नहीं दिंदे सही, एक्चुअली मैं गलत नहीं कहा कदी, और मैनू विशेष तौर पर राजे वड़िंग नूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नूं, इन्हां सारिआं नूं लोकां नूं उत्थे टारगेट किया जाता, और जदों द मोमेंट असीं जदों स्पीकर कहिंदा कि असीं तुहाडा टाइम खत्म या तुहानूं बोलण नहीं देणा, तुहाडा माइक नहीं ऑन करदे, तुसीं जिन्ना मर्जी शोर मचाई जाओ, बाहर लोकां नूं पता नहीं लगना। इस तरह की लाइव कवरेज एडिटिंग की इन्हां ने कि असीं जदों साडा माइक नहीं चल रहा तुहानूं कुछ नहीं पता, जदों साडे ते कैमरा नहीं गा तुहानूं कुछ नहीं पता, इसनूं कहिंदे ने पक्षपाती लाइव कवरेज जिहड़ी इह कर रहे ने। 15 मिनट का इन्हां दे कोल स्लॉट हुंदा, उहदे विच जिहड़ी चीज एडिट करनी है, और साडे कैमरे जिद्दां शुरू च किया कि बड़े दूर रखे हुए ने, जिद्दां सिर्फ आवाज ना पछाण हुंदा, तुहाडा काफी टाइम लिया, अज भी साडा सैशन आ बाद दुपहर, और एक लास्ट नॉन ऑफिशियल डे जिहड़ा वीरवार का रह जाएगा,
तो उस तो बाद अगर लोड पई तो फिर आपार वटांदरा करा तो सारे मेरे नाल जुड़न वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी थैंक यू।